अरे थोड़ा पीछे। अरे बाप रे, अरे वाह क्या बात है। अरे मेरे स्वागत में देखो क्या लोग खड़े हुए हैं। क्या है, मोटी हो रही हूँ क्या मैं? सही है। बेबी आज कार से पेमेंट ले ले प्लीज। नो कैश कैश करना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगी, बट आज तो नहीं। आ जाओ अंदर, अंदर आना है। नहीं अंदर अंदर मीडिया आ गया। अरे धूप में बैठो, ठीक है चलेगा चलेगा। सही है मैडम, पापू ना आ जाते। बहुत धूप है, गर्म बहुत हो रहा है। पूछो क्या सवाल है आज। मन गाना देखे क्या, हिना खान और साहिल शेख का आया, बारिश बन जाए। बारिश बन जाए, बारिश बन जाए, बारिश बन जाए, बारिश बन जाए। अच्छा बारिश बन जाए। हिना खान तो काम करेगी, अच्छा ही करेगी ना, वो बहुत अच्छी लड़की है हिना खान, अच्छा ही काम करती है। ओ माय गॉड, ये सब कौन है? हाँ मीडिया से। ओके, मेरी माँ को कोकिला बेल लेके जा रहे रोज, मैं बहुत सैड हूँ। कैसी है तबीयत अभी? नहीं अभी वो प्रिया दत्त जी वो करवा रही है ना, प्रिया दत्त जी जो है ना, कैंसर के ऑपरेशन के बाद भी मम्मी को वो देना पड़ता है। क्या हेमो हेमो? नहीं नहीं वो लाइट देते ना, रेडिएशन, रेडिएशन। रोज कोकिला बेन जाना पड़ता है, मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, मेरा रिहर्सल और सब चल रहा है। तो शूटिंग की परमिशन कब से मिल रही है? जल्दी मिल जाएगी शायद, हर जगह पे तो मिल गई है। पूना नासिक हो गया, पूना नासिक नागपुर ये सब जगह चालू हो गया। इधर पूना में पुणे नासिक यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है यार? हमारा तो मेन गढ़ तो मुंबई में, बॉलीवुड तो इधर ही है ना। फिर हम लोग शूटिंग कब करेंगे? आज भी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आज भी अनाउंसमेंट करने वाले थोड़ा। हाँ मैं यही कहना चाहती थी, वो निशा करण का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ मैम, मैं तो इतना कहना चाहती हूँ निशा करण एक दूसरे को माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, जहाँ किचन होता है वहाँ पे बर्तन तो यू नो खड़कते ही है, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते ही है, दोनों के एक दूसरे के ईगो को नीचे करो और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, फिर से एक हो जाओ। करण को एक सलाह देना चाहूँगी, तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत, हीरोइन से भी अच्छी दिखती है तुम्हारी बीवी, मैं निशा को जानती हूँ, सॉफ्ट स्पोकन, इतना अच्छा लैला मजनू वाला कपल है, और आप लोग फिर से एक हो जाओ। अगर तुम पहली बीवी के नहीं हो सके तो तुम सेकंड के भी नहीं हो सकते, अगर तुम पहले हस्बैंड के नहीं हो तो सेकंड के भी नहीं हो सकते, तो आपस में मांडावली कर लो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, यू नो, और एक हो जाओ यार। लफड़े झगड़े तो होते रहते हैं, उसमें क्या है, मारना पीटना तो होते रहता है हस्बैंड वाइफ में, तो होता ही है। तुमने अपनी बीवी को मारा कभी? लोग ने गर्लफ्रेंडों को मारा है क्या? नहीं छोटो बहुत मार दे, लाना दे तेरे पे छोटे, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तेरे है ना, तू जसलीन के साथ तो आज वीडियो बना रहा था, मैंने देखा तू। हां छोटो, अरे क्या बस कुछ चीज बड़ी है। नहीं नहीं ऐसे, ये तो सब थोड़ी सी मजाक की बात है, बट हस्बैंड क्या हुआ? कौन एक्सक्यूज, ये जानबूझ क्या है? नहीं, ये सब जानबूझ क्या है? वैसे चार घंटे से अंदर बैठे थे मैडम, अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है, रेंटल पे जो रहते ना भाड़े पे, अगर वो लोग घर खाली नहीं करें तो एक महीने में दो बार डबल भाड़ा ले सकते हैं, और दूसरे महीने में चौबल भाड़ा ले सकते हैं ओनर वाला, ये बहुत नाइन तक ये होगी। मतलब मैंने भी तो रेंट पे दिया हुआ है, मतलब क्या करना है? वो अगर किसी वजह से रेंट पे जो रहता है वो घर खाली नहीं कर रहा है, तो पहले महीने वो डबल भाड़ा ले सकते हैं, और सेकंड मंथ में डबल, अगर घर खाली नहीं किया तो, घर खाली नहीं किया तो। अच्छा ठीक है, डबल ऑनर की चांदनी हो गई, मतलब ऑनर की चांदनी हो जाएगी। मैं भी ऑनर ही हूँ ना। हाँ नहीं लेकिन रेंट पे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, और लॉकडाउन में ऑलरेडी पैसा नहीं है लोगों के पास। मुझे
रास्ते पे आ जाएंगे ना लोग। पतली हो रही हूँ क्या मैं? अरे बहुत तेरी बड़ी जबान बाहर निकल रही है ना कैसे हैं? कॉफी का ज्यादा टाइम लग रहा है, वो मिक्सर में बैठ के कॉफी बना रही है। सो गाइस, निशा एंड करण एक हो जाओ। हर इंसान में लफड़े झगड़े होते रहते, मियां बीवी में होते ही है। सो एक मेरा सजेशन है, एक हो जाओ, अलग मत हो। और करण, वो दूसरी लड़की के पीछे मत पड़ो। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना सोने जैसा घर है। मैं आई हूँ तुम लोग के साथ, तुम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। गया हो गया, यहाँ पे लोग घर में दोस्त बाहर आते हैं दो दोस्त को अलग करने के लिए। मैं आप लोग को कहती हूँ, एक शादी, एक विवाह, एक प्यार और एक पति और एक ही पत्नी। प्लीज़ आप लोग एक हो जाओ। तुम अलग होंगे तो सबसे ज़्यादा दुखी ईश्वर होता है। आज के ज़माने के हिसाब से मैं हूँ, आज के ज़माने की हूँ, बट आज के ज़माने के हिसाब से मैं चलती नहीं हूँ। ये पीछे मेरे को कॉफ़ी तो नहीं डाल दी। तो अगर इन फ्यूचर अगर मेरा भगवान अगर मेरा मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो, अगर होता भी है तो मैं तो तुरंत पैचअप कर लूँगी, क्योंकि ईगो सबसे नीचे रखना है। शादी का मतलब होता है ईगो को मार देना। ईगो घमंड ये हस्बैंड वाइफ में नहीं चलता। सेल्फ रिस्पेक्ट है लेकिन ईगो ये सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ में नहीं चलता। अगर शादी को लॉन्ग टर्म्स, पुराने ज़माने में देखो, आज आप लोग के माँ बाप भी देखो कितना एंड तक साथ में रहते हैं, यू नो। तो प्लीज़ आप लोग मेरी तरफ से मैसेज दे दो उनको कि पैचअप कर लें। मैं पैचअप कराना चाहती हूँ उनका। हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते हैं यार। सुबह का भुला शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। कौन सा हीरो हीरोइन में नहीं झगड़ा होगा, हुआ होगा? कौन से बड़े हीरोइन अपनी बीवी को नहीं पिटा होगा, या अपनी बीवी ने अपने बड़े हीरो के साथ नहीं यू नो झगड़ा किया होगा? लेकिन बाद में तो ईश्वर कहता है कि रात होने से पहले हस्बैंड वाइफ एक हो जाए, ले वरना शैतान फ़ायदा उठा लेता है। शैतान हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फ़ायदा उठाता है। तो शैतान शैतान को फ़ायदा उठाने ना दो। मैं एक एक शब्द बहुत सही बोल रही हूँ। मेरे लिए दुआ करो कि मेरा हस्बैंड भी आ जाए एक दिन। अमेरिका में है ना वो? कैनेडा में। कैनेडा, कैनेडा अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। जिसके पास पति है उनको पति की वैल्यू नहीं है। मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास कितना वैल्यू है पति की, बताओ। आपकी बात होती है फोन पे? हाँ होती है ना, क्यों बताऊँ तुझे। हाँ फोन पे तो बात होती है, वीडियो कॉल पे भी बात होती है। कॉफी आ गई। चलो अभी मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ गाड़ी में पियो। इधर ही कॉफी पी। मैंने गाड़ी में पियो। कल तो आपने ऐसे ही पी गए। कल ठंडी हो गई थी, वो आ ही गई ना, अभी तो चटके लगेंगे। पीलूँ क्या? जिम वगैरह कैसा चल रहा है आपका? जिम खुला नहीं है। प्लीज जिम खोल दो। जिम और सलून, जिम और सलून खोल दो। अरे बाल धुलवाने हैं आपको, जाना एक जगह खुला है। पता इधर नहीं बता मुझे ना, फोन कर दो। मैंने तो लोकड़ वाला में इतने अभी जाके कपड़े खरीद लिए ना, एक दिन इधर खुलता है एक दिन उधर खुलता है। भर भर के कपड़े ले लिए अभी मैंने। तुम लोग थे ना वहाँ, 7 तारीख को तुम लोग को सरप्राइज मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगी कभी। चलो रहा सॉन्ग शूट। मैं कहाँ जा रही हूँ 7 तारीख को? कनाडा, दुनिया के सबसे बड़े शो में। खिलाड़ी मगरमच्छ को तो मैं ऐसे मारती हूँ। कैसे? मगरमच्छ को तो मैं ऐसे बोलती हूँ, हट मगरमच्छ। और सांप को? सांप को तो मैं ऐसे मारती हूँ, चल निकल सांप यहाँ से। डोसा मारती हूँ। और कुतुब को? इसको सुतरमुर्ग। उसको बोले कॉफी बना के ला। तुमको सुतरमुर्ग बोल रहा हूँ। कुतुब, कुतुब। अच्छा तुम्हारा नाम कुतुब है। चलो बाय बाय मैडम। कोविड टेस्ट कराया? हाँ। बड़ा पाव मिलेगा मालूम है ना, वैक्सीन लोगे तो बड़ा पाव मिलेगा, सरकार दे रही है। भाई यूएस में बियर मिली?
अरे वड़ा पाव के साथ एक बियर भी दे दो, सब लगवाएंगे वैक्सीन। चकना भी है। सरकार सबको वड़ा पाव के साथ एक बियर भी दे दो, सब डबल डबल टिबल टिबल जाके ऐसे लगा दो, लगा दो। थैंक यू मैम। सात जून को आग लगेगा, सात को जून नहीं अगस्त, अगस्त सॉरी इस महीने। बाय बाय टाटा।